इत्र कैसे बनाया जाता है, महीने की इनकम कितनी होती होगी? राजस्थान वाला रामरस के वीडियो में आपका तहदिल से स्वागत। आज हम आ चुके हैं जो इत्र सेंट है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। इत्र कैसे बनाया जाता है, इत्र बनाने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, कल जी उनका अनुभव कैसा है, अच्छा है बुरा है, कैसी चल रही है जिंदगी, इत्र के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार विजय। कब से बेच रहे हैं आप इत्र? 25 साल से बेच रहे हैं। ये जो इत्र जो आप बेच रहे हैं, तो कहाँ से लाते हैं? नौ से यूपी से आता है। कैसी चल रही है दुकान आपकी? चल रही है, खर्चा पानी निकल रहा है। इत्र की दुकान लगाना चाहे, कितना खर्चा आता होगा इसको लगाने में? 30,000 लगता है इसमें। महीने की इनकम कितनी होती होगी? 5,000-7,000 बचता है। पूजा पाड़ा काम है हमारा, ये मंदिर में छठा भगवान की। अब वो सही जाती 500 की जाती, 1,000 की जाती, 1,500 की जाती, कभी नहीं भी होती, कभी 300 की भी जाती है। महीने का एवरेज मान, अब महीने का 20-25,000 मानो जाएगा। पूजा का सबसे ज्यादा पूजा छठा भगवान की, लगाने का 100 में से 20% होता, बाकी 80% पूजा पाठ का, दरगाह का, इसका, मंदिर का जाता। पिताजी का, पिताजी की उनकी डेट करते, हमारे दादा करते थे, दादा करते थे। जब क्या नाम आपका? शाहिद। 100 साल पुराना है ये, अब तो 25-30 साल तो मुझे हो गई। आप कुछ बता सकते हैं हमारे व्यूवर को, अगर घर बैठे कुछ चित्र बनाना चाहे कैसे बना सकते हैं? अब इसकी बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, अब तो उसमें डालना पड़ेगा भगोने के अंदर। अच्छा। तो उसकी भाव होगी ना, जो उसको पे कर देते पूरा, जो भाव होती है भून होती है, वो टपकती है शीशी के अंदर। इत्र कैसे बनाया जाता है? इत्र बनाने के लिए एक भगोना लेना पड़ता है, चंदन का तेल लेना पड़ता है, उसमें फूल डाले जाते हैं, उसकी बाफ को बूंद के रूप में इकट्ठा करते हैं, उससे इत्र बनता है। कितनी अच्छी जानकारी दी है भैया ने, क्योंकि हमारा तो सारा धंधा चौपट हो चुका है इस वजह से। इधर घुमाओ, सारे के सारे ऑटो खड़े, सारे के सारे ऑटो खड़े हैं, देखो आप उधर तक। मैं अभी ऐसे ऑटो वाले हैं जो कि उनका घर गुजारा भी नहीं चला पाते, ये है।